कदर में करना क्या है, इसमें कुछ बिदतें भी फैली हुई हैं, जत्थे बना के मस्जिदों में जाना और इज्तिमाई इबादतें करना, ये तमाम चीज़ें असलाफ से साबित नहीं हैं और इनको दीन समझ के करेंगे ये बिदत हो जाएंगी, सुन्नत से दूर हैं ये सब चीज़ें। इनफरादी इबादत होनी चाहिए, नमाज का कोई अलग से मखसूस तरीक़ा साबित नहीं है लैलतुल कदर की रात में, जो तरीक़े से आम आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं वही उसी तरीके से, ये नहीं कि पहली रकत में ये सूरत दूसरी में ये सूरत, ये तमाम चीज़ें लोगों में फैली हुई हैं, ये बिदत हैं, इनका हकीकत से सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तिलावत करें, दुआएँ मांगें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, जितने नवाफिल अल्लाह आपको तौफीक देता है आप जैसे आम मामूल है नवाफिल पढ़ने का इसी तरह पढ़ें, और बेहतर है घर में इबादत करें। घर में अगर मुश्किल हो रही है तो मस्जिद में भी जा सकते हैं, लेकिन नवाफिल घर में पढ़ना ये मस्जिद में पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। मस्जिद में शोर शराबा करना, लैलतुल कदर के नाम पे जत्थे बना के बैठना, फिर लैलतुल कदर की रात पे पूरी पूरी रात प्रोग्राम चलना मस्जिदों में, ये सब चीज़ें लोगों को इबादत से गाफिल करने वाली हैं। बयान भी होने चाहिए मुख्तसर, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, बाकी वक्त इबादत में लगाना चाहिए। दूसरी बात यह कि इतनी कसरत से इबादत करना कि आपका दिमाग ही ख़राब होना शुरू हो जाए, नींद से हालत ख़राब हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ देर आराम भी करना चाहिए ताकि जितनी इबादत हो वो तबीयत में निशात के साथ और फ्रेशनेस के साथ हो, आप उसमें टेंशन में ना आ रहे हो। और एक अहम बात यह भी है कि असल इबादत गुनाह छोड़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर में हमें जो दुआ सिखाई है उस दुआ का मफहूम भी यही है। सही हदीस में दुआ आती है कि लैलतुल कदर में ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्ना, ए अल्लाह तो सरापा मुआफ़ी है, मुआफ़ी को पसंद करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इससे पता चलता है कि लैलतुल कदर में नबी हमें ये सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि गुनाहों से तोबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। जाहिर है जिस जुर्म से माफ़ी मांगी जाती है तो इसी बेस पे मांगी जाती है ना कि आइंदा आप छोड़ने का अहद कर रहे हो, आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को टेंशन दी, अब आप उससे सॉरी कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है आइंदा टेंशन नहीं देना, आप कहते हैं दूंगा तो मैं आइंदा भी तुम्हें टेंशन, तो वो कहेगा फिर ये तो माफ़ी नहीं, ये तो माफ़ी के नाम पे मजाक हो गया भाई। तो नबी जो हमें दुआ सिखा रहे हैं उसमें असल बता रहे हैं कि लैलतुल कदर की रात में अल्लाह से दुआएं मांगकर तौबा करनी है, तो इस रात में आप इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, और दुआ क्या मांगें कि अल्लाह जो गुनाह हमारी ज़िंदगी में है उनसे हम तौबा करते हैं और आइंदा हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। गुनाह क्या है? नमाजों का कज़ा करना, दाढ़ी काटना, ख़वातीन का बेपर्दगी करना, और सूद लेना, बहनों की विरासत ना देना, और जानदार की जो तस्वीरें आजकल लोगों ने घरों में डेकोरेशन के तौर पर तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, ये सब नाजायज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अशद्दिन नासी अज़ाब यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, के सबसे सख्त तरीन अज़ाब क़्यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले को होगा। डिजिटल कैमरे की तस्वीर में तो बहुत अच्छा खासा उलमा का इख्तलाफ़ है कि हमारी राय ये कि तस्वीर में दाखिल नहीं है, लेकिन जो प्रिंटेड तस्वीर होती है और किसी शरी उज़र के बग़ैर हो, एक तस्वीर किसी ज़रूरत से होती है, बिला वजह शोबाजियों के लिए अपने बाप दादाओं की तस्वीरें दीवारों पर सजाना, ये फ़ैशन हमारे यहाँ बनता चला जा रहा है। और जो बुत बने हुए होते हैं तस्वीर के नाम पर वो भी इस्लाम में हराम है। तो इन सब चीज़ों से हमें लैलतुल कदर में तौबा करनी है, शराब से, जिना से, बदनजरी से, वालदैन की नाफरमानी से, रिश्तेदारी तोड़ने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खूनी रिश्तों को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लैलतुल कदर की रात में आप अपने खूनी रिश्तों को मना लें, इस रात में आप अगर रिश्ते को जोड़ेंगे इसका सवाब कई गुना ज़्यादा मिलेगा, इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस रात में सदका खैरात भी करना चाहिए, और इन तमाम जराइम से, नमाज छोड़ने का गुनाह, सूद का गुनाह, विरासत खाने का गुनाह, जो भी नाप तोल में कमी का गुनाह, आप अगर किसी इदारे में जॉब करते हैं, आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं मगर आप काम में डंडी मार रहे हैं, ये खयानत है जिससे कुरान ने रोका है, ये भी एक जुर्म है, इस जुर्म से भी हमने इस रात में तौबा करनी है। अगर कोई किराएदार मालिक मकान के घर को अमानत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता, ये भी अमानत में खयानत है। और अगर मालिक मकान किराएदार को तंग करता है या किराएदार मालिक मकान को टाइम पे किराया नहीं देता, ये भी जुर्म है जिसको कुरान बयान करता है अमानत में खयानत। तो जहाँ भी दो आदमियों का मामला हो रहा है और उसमें आप डंडी मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान में अहले जन्नत की ये सिफात बयान नहीं की गई हैं। तो अखलाक को अपने दुरुस्त करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की तीन निशानियाँ हैं, बात करता है झूठ बोलता है, अमानत दी जाए तो खयानत करता है, और जब किसी से बहस मुबाहसा करता है तो गालम गलोच पर आ जाता है। आज देखें दफ्तरों में क्या हाल है, बात बात पे गालियाँ, ज़रा सा कोई मसला होता है फोश गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें इस रात में तौबा करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔